बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त बहुत ही खुशी की ख़बर सामने आ रही है कि शहर हैदराबाद के मशहूर आलिम दीन हज़रत मौलाना अब्दुल कवी साहब दामत बरकातहुम को आज गुजरात हाई कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया है। इस बात की इत्तला देते हुए मौलाना ने ख़ुद एक ऑडियो रिकॉर्ड जारी फरमाया है। तो नाज़रीन इकराम, आपको बताते चलें कि मौलाना अब्दुल कवी साहब को 23 मार्च 2014 को गुजरात पुलिस ने दिल्ली एयरपोर्ट पर उस वक़्त गिरफ़्तार किया था जब मौलाना हैदराबाद से दियोबंद एक प्रोग्राम के लिए जा रहे थे। उस वक़्त हालात काफ़ी नासाज थे, मौलाना की उस वक़्त गिरफ़्तारी हुई और आप पर ये इल्ज़ाम डाला गया कि गुजरात के हरीन पांड्या कत्ल मामले में एक बाइज्जत बरी शख्स मुलजिम को आपने पना दिया है। मौलाना अब्दुल कवी साहब का जो केस था वो जमीयत उलमाए हिंद की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के मशहूर वकील महमूद पराचा और इलियास पठान ने पूरी ज़िम्मेदारी के साथ कोर्ट में मौलाना की बेगुनाही को उन्होंने साबित किया था, जिसके बाद मौलाना को ज़मानत पर रिहा किया गया। इसके बाद ये मुकदमा पिछले तकरीबन 9 सालों से चलता रहा और अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से आज गुजरात हाई कोर्ट ने मौलाना को तमाम इल्ज़ाम से बरी करके बाइज्जत रिहा किया है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह पाक आपको सेहत दे, आफ़ियत के साथ रखे और आपके फैज़ को आम फरमाएँ और अल्लाह ताला आपकी खिदमत को कबूल फरमाएँ।